अक्टूबर में आपको मिलेगी दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 10,000 फीट पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल देश में बनकर तैयार हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंत्री लाहौल के विधायक रामलाल मारकंडेय ने इस पीएम मोदी के आने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसे बनाने में 10 साल लग गए, लेकिन अब इससे लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। साथ ही इसकी वजह से मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसका नाम है अटल रोहतांग टनल। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। 10,171 फीट की ऊंचाई पर बने इस अटल रोहतांग टनल अटल रोहतांग टनल को रोहतांग पास से जोड़कर बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी रोड टनल है। यह करीब 8.8 किलोमीटर लंबी है, साथ ही यह 10 मीटर चौड़ी है। अब मनाली से लेह जाने में 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब आप ये दूरी मात्र 10 मिनट में पूरी कर सकते हैं। मनाली लेह रोड पर 4 और टनल प्रस्तावित हैं। फिलहाल ये टनल बनकर पूरी हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यह टनल सिर्फ मनाली को लेह से नहीं जोड़ेगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी यातायात को आसान कर देगी। यह कुल्लू जिले के मनाली से लाहौल स्पीति जिले को भी जोड़ेगी। इसके बनने से सबसे ज्यादा फायदा लद्दाख में तैनात भारतीय फौजियों को मिलेगा, क्योंकि इसके चलते सर्दियों में भी हथियार और रसद की आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। अब सिर्फ जो जिला पास ही नहीं, बल्कि इस मार्ग से भी फौजियों तक सामान की सप्लाई हो सकेगी। इस टनल के अंदर कोई भी वाहन अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेगा। इसे बनाने की शुरुआत 28 जून 2010 को हुई थी। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने बनाया है। यह सुरंग घोड़े के नाल के आकार में बनाई गई है। इसे बनाने में ब्रो के इंजीनियरों और कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ काम करना बेहद मुश्किल हो जाता था। यहाँ पर तापमान -30 डिग्री तक चला जाता था। इस टनल को बनाने के दौरान 8 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर और मिट्टी निकाली गई। गर्मियों में यहाँ पर 5 मीटर प्रतिदिन खुदाई होती थी, लेकिन सर्दियों में यह घटकर आधा मीटर हो जाती थी। यह टनल इस तरीके से बनाई गई है कि इसके अंदर एक बार में 3,000 कारें या 1,500 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं। इसे बनाने में करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। टनल के अंदर अत्याधुनिक ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का उपयोग किया गया है। वेंटिलेशन सिस्टम भी ऑस्ट्रेलियाई तकनीक पर आधारित है।